हाँ तो हम बात कर रहे थे रेशो के वो नोट की, तो उस पर मैंने बोला था क्वेश्चन ले रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं रेशो के नोट्स पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वही मैंने बोला था रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, केवल उनका रेशियो ही क्या देगा, करेक्ट आंसर देगा। जैसे क्वेश्चन है एक, ₹170 आर डिवाइडेड अमंग, कि ₹170 है वो डिवाइडेड अमंग 50 मेल्स एंड फीमेल्स। टोटल क्या है, 50 मेल्स हैं, टोटल 50 मेल्स एंड फीमेल्स हैं, 50 मेल्स एंड फीमेल। द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू ऑल मेल्स, द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक में सिर्फ रेशियो का ही खेल है, और रेशियो से ही बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, देखेंगे अभी। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑल मेल्स एंड फीमेल्स एंड फीमेल्स एज 8:9, 8:9। द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू वन फीमेल, द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू वन फीमेल एंड वन मेल इज 3:4:3, एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू वन मेल एंड फीमेल इज 4:3, देन नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा। आपको सवाल में क्या दिया, ₹170 आर डिवाइडेड अमाउंट 50 मेल्स एंड फीमेल्स, द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू ऑल मेल्स एंड फीमेल्स इज 8:9, एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट गिवन टू वन मेल एंड फीमेल इज 4:3, देन द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आपसे पूछा है। ये आपसे पहले ये पूछेगा, पहले इसको ये कर लेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा है आपसे। तो सवाल में क्या दिया है, अभी मैंने यही बताया था कि सवाल में क्या दे रखा है, रेशियो ही दे रखा है, और क्या ही पूछा है, रेशियो ही पूछा है, और एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दी है। सवाल में क्या दिया, एक एग्जैक्ट वैल्यू ₹170। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखी है और दो रेशियो दे रखे हैं, और रेशियो ही पूछा। तो मैंने अभी क्या बताया था कि रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है, तो अगर रेशियो पूछा है तो उनका रेशियो से ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, देन देयर रेशियो विल गिव दी करेक्ट आंसर। वी देर इज नो नीड टू टेक एग्जैक्ट वैल्यू, इफ वी टेक एग्जैक्ट वैल्यू द कैलकुलेशन विल बी लार्जर एंड इट विल टेक सम टाइम एंड सो द वेस्टेज ऑफ टाइम विल बी। सो क्या होगा कि अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेता हूँ तो वो वेस्टेज हो जाएगी टाइम की, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे पता है रेशियो पूछा है, तो मैं सिर्फ रेशियो का यूज करूंगा और मुझे कुछ नहीं करना। अब अगर एक बात बताओ, रेशियो ऑफ अमाउंट, अगर जो अमाउंट होती है टोटल अमाउंट, पहले टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट कैसे बनती होगी मुझे एक बात बताओ। जितना क्या कहते हैं, एक पर्सन को रुपये मिल रहे हैं, मतलब वन पर्सन अमाउंट गिवन टू वन पर्सन अमाउंट गिवन टू वन पर्सन और इंटू इंटू क्या होता है, अमाउंट गिवन टू वन पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन, यही तो टोटल अमाउंट होती है, यही होती है टोटल अमाउंट। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब अगर टोटल अमाउंट क्या कहते हैं, मैंने मेल को कितनी मान ली, एट एक्स मान ली। अब जो टोटल अमाउंट गिवन टू वन मेल इज, यहाँ का स्केलिंग फैक्टर होगा, तो 4y मान ली मैंने। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ पर्सन ही तो बचेगा। तो ये क्या होगा इस केस में, नंबर ऑफ मेल्स होंगे, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ मेल्स इस टू। अगर मैं बात करूँ तो टोटल अमाउंट जो फीमेल को मिली है वो 9x मिली होगी,
और क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स, जो एक फीमेल को अमाउंट मिली होगी वो 3y मिली होगी। अब यहाँ पे मुझे पता है एक्स अपॉन वाई, अगर रेशियो बनाना है एक्स अपॉन वाई दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से रेशियो पे, देर इज नो इफेक्ट ऑन द रेशियो। तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो इससे कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8/4 यानी कि 2, और 9/3 यानी कि 2:3। तो ये क्या रहे होंगे, मेल रहे होंगे, और ये क्या रहे होंगे, फीमेल रही होंगी। अब मैंने कैसे करा, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। टोटल अमाउंट क्या होता है, अमाउंट गिवन टू 1% इंटू नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर टोटल अमाउंट अगर फीमेल को मेल को कितना मिला होगा, 8x मिला होगा, और एक पर्सन को 4y मिला होगा, तो ये नंबर ऑफ पर्सन ही तो आ जाएंगे। जैसे जैसे 50 रुपीज़ है, एक पर्सन को 55 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 50/5 यही तो नंबर ऑफ पर्सन होंगे। अगर एक को 5 मिल रहे हैं और टोटल रुपए मिले हैं 50, तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए 50/5। तो वैसे ही तो टोटल रुपए जो टोटल पर्सन को मिले 8x, एक को मिले 4y, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स को 9x मिला और एक को मिला 3y, तो अपॉन 3y हो गया। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई कैंसिल हो गया, और अगर एक्स अपॉन वाई कैंसिल हो गया फिर यहाँ पे 8/4 2 होता है, और 9/3 3 होता है। तो ये क्या था, मेल का था, और ये क्या था, फीमेल का था। तो रेशियो आ गया नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशियो आ गया यहाँ से 2:3, 2:3 आ गया। इतनी बात सबको समझ में आती है। या मैं इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकता था कि मुझे पता है रेशियो दिया है, तो रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू लेके मैं क्या कर सकता हूँ, एक आंसर निकाल सकता हूँ। मुझे एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको भी समझाने के लिए लिखा। अब मुझे एक चीज़ पता है कि टोटल अमाउंट जो फीमेल को मेल को मिली है वो कितनी है, 8 है। मैं इसको अगर एक लाइन में करता तो कैसे करता, 8 टोटल मिली है, और एक को मिली, एक को कितनी मिली है, एक को 4 मिली है। तो ये क्या बन गए, नंबर ऑफ मेल बन गए, 8/4 नंबर ऑफ मेल बन गए, नंबर इस सवाल के लिए बन गए। वैसे एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा तो रेशियो से हमें मतलब होना चाहिए, हमें और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो 9 अब क्या मिला, टोटल फीमेल को मिला, और एक फीमेल को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो ये क्या है, मेल है, ये मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। ये रेशियो का साइन है बीच में। अब ये रेशियो का साइन है, तो 8/4 क्या होता है, 2, और 9/3 क्या होता है, 2:3। तो ये क्या हो गया, मेल हो गया, और ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो 8 अगर टोटल अमाउंट मेल्स को मिली होगी और एक मेल को 4 मिली है, तो नंबर ऑफ मेल्स आ गए, नंबर ऑफ मेल्स। और यहाँ पे अगर 9 अगर फीमेल को मिली होगी और 3 एक फीमेल को मिली है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स आ गई। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब इनका रेशियो आ गया 2:3। अब जो सवाल में मैंने अभी मिटाया था, वो मैंने क्यों मिटाया था, कि मुझे पता है अगर रेशियो दिया है तो मैं रेशियो तो आसानी से निकाल सकता हूँ। अब फिर मुझे क्या पूछा था, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा था यहाँ पे। क्या अब जो दूसरा सवाल आप लिखोगे, ये वाला सवाल तो हो गया, इसमें आप क्या लिखोगे, देन नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होगा। अब मुझे एक चीज़ पता थी, मैंने पहले क्या बताया, मैंने इसलिए वो नहीं, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो उससे रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैंने एक चीज़ सोची कि रेशियो दिया है तो मैं रेशियो से रेशियो तो निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर रेशियो से रेशियो निकाल सकता हूँ, तो किसका रेशियो निकाल सकता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशियो निकाल पाऊँ अगर रेशियो से, तो मेरे लिए सवाल करना बहुत आसान होगा। क्योंकि जब मैं रेशियो निकाल लूंगा इन दोनों का, तो मैं उन रेशियो में उनको जो 50 मेल्स और 50 फीमेल्स, उनमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उस रेशियो में। 50 मेल्स और 50 फीमेल्स को मैं अगर रेशियो निकाल पा रहा हूँ, तो 50 मेल्स और 50 फीमेल्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उस रेशियो में। अब मुझे रेशियो पता लग गया 2:3 है, अब 2:3 बन गया। तो यहाँ पर टोटल कितना बनना है, 5। तो 5 यूनिट क्या है, या 5, हाँ 5 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी है, 5 यूनिट टोटल क्या बन गया, मेल प्लस फीमेल। लेकिन टोटल मेल प्लस फीमेल कितनी है, 50 है। अगर टोटल मेल प्लस फीमेल 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो मैं 2 की चाहिए, 2 की 20 और 3 की 30। तो यानी 20 मिल रहे होंगे और 30 क्या रही होंगी, फीमेल रही होंगी। अब इसको एक लाइन में करते तो कैसे करते, 2:3 रेशियो आ गया। अच्छा, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और 3 रेशियो की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहले हमने वो मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन कर लिया, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 4, देन 3a+4b प्लस 5e अपॉन 3b+4d प्लस 5f इज इक्वल टू व्हाट। तो अब मुझे यहाँ से एक बात पता है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, अगर मैं अब क्या मानूँ ऊपर नीचे डिग्री क्या है, पहला एक तरीका ऊपर नीचे पावर क्या है, 1 1, सभी की पावर 1 है। तो मैं मेरे पास अब ए एक भी ऑप्शन ए ऑप्शन ये भी है कि
कि मैं 4/1 होगा, ये कुछ नहीं है नीचे, तो 4/1 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है पावर क्या है, अगर ऊपर नीचे पावर सेम होती है तो उनका रेशियो क्या दे देता है, करेक्ट आंसर दे देता है। ये बात हमने पिछली क्लास में जान ली है और पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो उनका रेशियो क्या दे देता है, करेक्ट आंसर दे देता है, और रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ए अपॉन बी अगर 4/1 है तो ए की वैल्यू मैं यहाँ से क्या मान लूंगा, 4 मान लूंगा, ए की वैल्यू 4 मान लूंगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर अब मैं यहाँ पर रखता हूँ ए की जगह 4 रखता हूँ, और ऐसे ही सी की जगह क्या मान लूंगा, मैं 4 मान लूंगा, और फिर मैं ई की जगह क्या मान लूंगा, 4 मान लूंगा, तो 5, 5 × 4। फिर अब बी बी की जगह क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि नीचे क्या 1 है, 3 × 1 प्लस, अब 4D हो गया, तो 4 की जगह D की जगह क्या आएगा, 1 आएगा प्लस, फिर F की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 ही रख दिया, तो क्या हो गया, 5 × 1। अब ये ऊपर कितना हो गया, ऊपर सभी 4 के मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये 4, अब देखो ऊपर कैसे कैलकुलेशन करनी है, ऊपर से अगर 4 कॉमन ले लिया तो 3 + 4 + 5 × 4 अपॉन, नीचे क्या बन गया, 3 7 7 और 12 बन गया नीचे, तो ये 3 टाइम्स जाएगा 4 + 5 9 9 + 3 12 12/3 = 4। तो 4 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अभी तो मैंने कैसे रख दिया इसको कि मुझे पता है ऊपर नीचे पावर सेम है तो उनका रेशियो क्या दे देगा, और ये एक रेशियो है तो रेशियो पूछा है तो उनका रेशियो ही करेक्ट आंसर दे देगा। तो मैंने ए को 4 मान लिया और बी को 1 मान लिया, और बी को मैं 1 मानूंगा तो सी को भी 4 और डी को भी 1, ई को भी 4, बी एफ को भी 1, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और ये आंसर आ गया। लेकिन अब अगर मैं उस प्रॉपर्टी से करता जो मैंने कल बताई थी, उससे सवाल कैसे हुआ देखते हैं, उससे सवाल कैसे हुआ। अब उससे सवाल करने के लिए एक बात बताओ, ए अपॉन बी दिया है, अगर मुझे ए अपॉन बी दिया, सी अपॉन डी दिया, तो अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेशियो इज इक्वल टू। अगर मैं इसको 4C, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 दिख रहा है, मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा था दोनों साइड, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस टर्म में जो दिख रहा होगा उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अब मुझे यहाँ पे 5e दिख रहा है तो मुझे ये 5e बनाना, तो 5e/5f बी इक्वल, ये भी किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अगर आपको याद है, कि अगर ये 3 रेशियो इक्वल होते थे तो मैं इन तीनों को अगर एडिशन भी कर देता था, ऊपर 3 अगर मैं ऐसा भी कर देता था 3a + 4c + 5e, क्योंकि यही पूछा है, अपॉन 3b + 4d + 5f, अगर मैं ये भी कर देता था तो मुझे पता था ऊपर वाले में मैंने क्या लिया, 3a, 3 के करस्पॉन्डिंग नीचे भी क्या रहा होगा, 3b, तो ये 3b, तो 4c भी लिया तो 4c के करस्पॉन्डिंग 4d, 5b लिया 5b के करस्पॉन्डिंग 5f। अब ऊपर अगर मैंने प्लस का साइन लिया तो मैंने बताया था नीचे भी क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, तो ये रेशियो भी किसके इक्वल होता था, जो बेसिक रेशियो था इसके इक्वल होता था, इक्वल टू होगा किसके, इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 ही हो गया। कैसे होगा, फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा था 3a 3b, तो मैंने पहले इसको 3a/3b बनाया, मुझे यहाँ से एंट मिली क्योंकि 3a/3b बनाना था, इसको 3a/3b बनाया, फिर इसको ऐसे सबको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना कर लिया, फिर उसके बाद इन तीनों का एडिशन ही दिख रहा है मुझे उन नंबर का, तो इन तीनों का एडिशन ऊपर भी नीचे भी, तो इन तीनों का एडिशन ही दिख रहा है, तो इन तीनों का एडिशन ए वे इन तीनों का एडिशन के रेशियो भी किसके इक्वल होगा, बेसिक रेशियो के इक्वल होगा, और बेसिक रेशियो क्या था, 4 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए आपको, मान लो इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, m² नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, m² a + n² c + n² a, यहाँ इधर क्या मान लो m² n² + a² नहीं ये तो है इसमें तो इसमें क्या मान लो m o² e मान लो o² e अपॉन इधर भी क्या मान लो m² b + n² d + o² f, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 4 होगा। कैसे होगा 4, क्योंकि मैंने अभी बताया था
ऊपर भी एम स्क्वायर है, नीचे भी एम स्क्वायर है, और ऊपर भी ए वो दिख रहा है, ऊपर भी ए बी सी दिख रहा है, तो यही प्रॉपर्टी लगेगी जब एक कॉलम दी है। कैसे लगेगी? ऊपर नीचे अगर मैं इसमें ए अपॉन बी वाली टर्म में अगर मैं एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर बी, और इधर भी मैं एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एन स्क्वायर सी अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था एन स्क्वायर डी इज इक्वल टू ओ स्क्वायर ई अपॉन ओ स्क्वायर एफ, और ये किसके इक्वल होगा? ये चीज किसके भी इक्वल रहेगी? 4 के भी इक्वल रहेगी। अब मुझे पता है जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, शायद उधर आ नहीं रहा होगा ये। हाँ, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब ये क्या होगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, एम स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर सी अपॉन एन स्क्वायर डी, और इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई, जो ओ स्क्वायर ई अपॉन ओ स्क्वायर एफ, ये भी किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। अब जो चीज़ पूछी है वो ऊपर भी एडिशन है इन तीनों का और नीचे भी एडिशन है, तो मुझे पता था अगर इन तीनों का एडिशन करेंगे तो ये भी, और इन तीनों का एडिशन करेंगे तो ये किसके भी इक्वल होगा? बेसिक रेशियो के इक्वल होगा जैसे इसमें था। तो अगर इन तीनों का एडिशन करेंगे तो एम स्क्वायर ए, तो ये भी बेसिक रेशियो के इक्वल होगा, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया। अगर अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है अगर उसकी बात करें, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अगर उसकी बात करें, अगर इस पर जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता, क्या पूछ दिया जाता? कि ऐसा पूछ दिया जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो ए क्वेश्चन था अभी, तो इस क्वेश्चन में मैंने ये भी बताया था कि ए को आप 4 पुट कर सकते हो, बी को डी, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ये भी तरीका था उसमें मैंने लगा के भी बता दिया था। और यही भी कि एक क्वेश्चन है उसमें भी ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो ए को आप 4 पुट कर दो, बी को 1 पुट कर दो, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे जल्दी से करना है क्वेश्चन तो ऐसे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अगर मुझे जल्दी से करना है तो मुझे क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैं पहले इसका स्क्वायर करूंगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर लेना है मुझे, इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, क्योंकि साइड में मैंने एफ स्क्वायर वो स्क्वायरिंग कर दी सबकी, और सबकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 16/1। और अब ये क्या दिख रहा है मुझे? अब मुझे ऊपर वाले तीनों का भी एडिशन दिख रहा है, नीचे वाले तीनों का भी एडिशन दिख रहा है। ऊपर वाले तीनों का एडिशन, नीचे वाले तीनों का एडिशन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो इज इक्वल टू द बेसिक रेशियो, तो ये बेसिक रेशियो के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? 16 के इक्वल होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा? 16 के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 16 ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 16 हो गया। अब ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अगर मैं इसके अलावा इस पर तीन चार क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की बात करूं, और एक क्वेश्चन कैसा होगा? और एक क्वेश्चन की बात करूं और ऐसा पूछ दिया जाए एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सी होगा, सॉरी यहाँ पर सी होगा, एम ए स्क्वायर प्लस, पीछे भी अगर एक बी कर दिया तो सी कर लेना उसमें, क्योंकि ऊपर वाले का लेना, एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 16 होगा। कैसे होगा 16? अगर मैं पहले इसका स्क्वायर करता हूँ, एक तरीका तो ऊपर नीचे की मुझे डिग्री सेम दिख रही है, दिख रही है, तो या तो मैं अगर डिग्री सेम है तो उनका रेशियो ही आंसर दे देगा, या तो मैं ए को 4 मान के बी को 1 मान के पुट कर दूं और सी को भी 4 और डी को भी 1 का मान के, तब भी ये सवाल हो जाएगा, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर 16 नहीं आएगा। लेकिन ये तो आप खुद से करके देख लेना, मैं बताता हूँ इसका अच्छा तरीका। इसका क्या तरीका है? मैं पहले क्या करूँगा, स्क्वायरिंग दिख रहा है मुझे ए का स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर करके, सबका स्क्वायर कर दिया मैंने, सबका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? 16 के इक्वल। अब मुझे एम के स्क्वायर, ए के स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है? एम दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे एम ए स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, और क्या है, एन सी स्क्वायर
अपॉन एन डी स्क्वायर हो गया अगर मैं ऊपर नीचे इसको, क्योंकि मुझे एन दिख रहा है, और ओ ई स्क्वायर अपॉन ओ एफ स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 16 के। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इन तीनों का एडिशन करूँगा, और ये तो भाई ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही देता हूँ और इसको आपसे खुद से भी ट्राई करना है, फिर मैं बाद में बताऊँगा इसको भी। अब इस पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया 5/5 कर दिया, 5/5 कर दिया ये, और मैंने ये 5 कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि एम ए प्लस एन बी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ इज इक्वल टू वॉट, पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इस पर, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर बी प्लस पी स्क्वायर ई अपॉन एम स्क्वायर, यहाँ पे सी होगा, सॉरी एन सी, और यहाँ पे क्या होगा बी, हाँ यहाँ पे तो सही है, वो ऊपर वाला लेना था, अगर पीछे भी कहीं ऐसी गलती हो गई वो तो ऊपर वाले में ऊपर वाला ही लेना है, और जो ऊपर है वही लेना है, अगर पीछे कहीं ऐसा हो गया वो, वैसे तो हुआ नहीं। तो एन ए एम ए प्लस एन सी प्लस पी ई अपॉन एम बी प्लस एन डी प्लस पी एफ, ये ऊपर वाला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इस पे, दूसरा क्वेश्चन है एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई अपॉन एम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ किसके इक्वल होगा, और तीसरा थर्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर एम ए स्क्वायर प्लस प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर अपॉन एम एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर स्क्वायर है एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये पहले वाला क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिख रहा है ए अपॉन बी, यहाँ क्या दिख रहा है सब में सी अपॉन डी, तो ए अपॉन बी किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था, तो ये क्या होगा, तो ये क्या भी हो जाएगा 5/1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिक रेशियो का ये बाहर में जाना, जो ये जो अलग से आया उसे मुझसे कुछ मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्या दिख रहा है ए अपॉन बी, ये स्क्वायर था एम का, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सी अपॉन डी दिख रहा है, तो सब में जब मुझे सेम ही दिख रहा है तो ए अपॉन बी किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ से किसके इक्वल होगा 25 के इक्वल होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कहने की बात क्या है कि ए अपॉन बी बनना है, यहाँ पे सी अपॉन डी दिख रहा है, तो अगर पावर बने तो ए अपॉन बी के इक्वल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी जो जो ये इंट्रोड्यूस हुए अलग से वेरिएबल उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ के आंसर इक्वल होगा या सी अपॉन डी के इक्वल होगा या ए अपॉन बी के इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल है 5/1 के इक्वल है, और एक और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ए अपॉन बी दिया था, ये अगर मुझे ए अपॉन बी दिया था और मुझे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है तो वो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करके तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25/1। ये था इसको करने का शॉर्ट तरीका। अभी जैसे इस पर एक और क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन लेते हैं, कैसे लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या था, अभी इस पैटर्न पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे पूछा 3a + 4c + 5e + 3b + 4d + 5f
तो ये किसके इक्वल होगा? अब मैंने अभी बताया था ये यहाँ पे मुझे ए और भी क्या दिख रहा है, ए अपॉन बी, तो ये किसके भी इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा। अगर शॉर्ट की बात करें तो ए अपॉन बी किसके इक्वल दिया, टेन अपॉन टेन के इक्वल, टेन के इक्वल दिया था, यानी टेन अपॉन वन या टेन, सिंपल उसको रहने दो। फिर मुझे क्या दिख रहा है इसमें, ए अपॉन बी दिख रहा है मुझे, ये अगर ए अपॉन बी दिख रहा है इसमें तो ये भी किसके इक्वल होगा, टेन के इक्वल होगा। और कैसे होगा वो मैंने अभी पिछले सवाल में क्लियर किया। फिर मुझे क्या दिख रहा है इसमें, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये तो ए अपॉन बी अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हंड्रेड मिलेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हंड्रेड के इक्वल हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर दो तीन टर्मिनोलॉजी होती हैं जैसे बेसिक सी, उनको जान लेते हैं। जैसे रेशियो इफ एज टू बी इज ओरिजिनल रेशियो, जैसे ये टर्मिनोलॉजी होती है, अगर पता ना हो तो एग्जाम में आ जाए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दे तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ, तो इसका डुप्लीकेट के रेशियो क्या हुआ, ए स्क्वायर एस टू बी स्क्वायर होगा। और इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं, अगर मैं इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए क्यूब इस टू बी क्यूब होगा। वहीं ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट में तो स्क्वायर होता है, डुप्लीकेट यानी कि टू, तो यानी स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट यानी थ्री, तो यानी क्यूब। वहीं अगर सब डुप्लीकेट की बात करूं, अगर सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, वहीं अगर मैं सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करूंगा तो वो क्या होगा, रूट ए इज टू रूट बी, क्या होगा, रूट ए इज टू रूट बी के इक्वल होगा। अगर वहीं मैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं, सब लग गया मतलब अंडर रूट लेना है, तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब, ट्रिप्लीकेट मतलब थ्री, तो मतलब अंडर रूट थ्री लेना है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो यानी क्या होगा कि पावर थ्री और रूट बी की पावर थ्री, ये क्या हुआ, अंडर रूट थ्री हो, मतलब ए की पावर वन अपॉइंट थ्री, बी की पावर वन अपॉइंट थ्री भी इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर वन अपॉइंट थ्री रेशियो बी की पावर वन अपॉइंट थ्री। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जैसे इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं दो तीन, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट पे या डुप्लीकेट रेशियो पे। तो डुप्लीकेट रेशियो मैंने क्या बताया था, डुप्लीकेट क्या बताया था मैंने, डुप्लीकेट रेशियो, ऑफ ए बी एस टू बी इज कितना होता है, ए स्क्वायर एस टू बी स्क्वायर। भाई अगर ट्रिप्लीकेट की मैं अगर बात करूं, ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होता है, ए क्यू इज टू बी क्यू, और वहीं अगर मैं सब डुप्लीकेट की बात करूं, ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, सब डुप्लीकेट रूट ऑफ ए इज टू रूट ऑफ बी, और सब ट्रिप्लीकेट यानी सब लग गया मतलब अंडर रूट लेना, और डुप्लीकेट का मतलब दो, तो मतलब अंडर रूट टू, अंडर रूट मतलब पावर टू लेनी हो, सब ट्रिप्लीकेट यानी कि सब का मतलब अंडर रूट लेना ही है, और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, पावर थ्री मतलब अंडर रूट थ्री लेना है अपने को, अंडर रूट मतलब ए की पावर वन अपॉइंट थ्री लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर वन अपॉइंट थ्री इज टू बी की पावर वन अपॉइंट थ्री। अब इस पे एग्जाम्पल कैसे होंगे, इस पे एग्जाम्पल, इस पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन दिया है फाइंड, ये सभी फाइंड करने हैं आपको किसके, जैसे मान लो एक रेशियो में देता हूँ टू इस टू फाइव, उसके आपको ये सभी रेशियो फाइंड करने हैं। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ये एग्जाम्पल है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगा, डुप्लीकेट मैंने बताया पावर क्या लेनी है टू, तो टू स्क्वायर इज टू फाइव स्क्वायर, तो क्या हो गया फोर इज टू ट्वेंटी फाइव।
और भाई इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो की अगर मैं बात करूं, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो किसके इक्वल होगा? ट्रिप्लीकेट की बात करूं तो 2 की पावर 3 और 5 की भी पावर 3, तो वो के 8 और 1 to 5। और वहीं अगर सब डुप्लीकेट की बात करूं, तो सब डुप्लीकेट में पावर क्या हो जाएगी? इधर भी 2 की पावर 1/2 इस टू 5 की पावर 1/2। अब इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 5 की पावर 1/2। और अगर मैं सब ट्रिप्लीकेट की बात करूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 रेशियो 5 की पावर भी 1/3। अब इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, तो इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये तो हो गए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। और कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, अगर डुप्लीकेट पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे, डुप्लीकेट यानी 2 टाइम्स, ट्रिप्लीकेट तो क्यूब कर देंगे। और सब डुप्लीकेट यानी कि डुप्लीकेट का मतलब मुझे 2 पावर 2 से याद है, और सब का मतलब अंडर रूट लेना, तो मतलब 1/2। और सब ट्रिप्लीकेट यानी कि 3, और यानी सब का मतलब मुझे अंडर रूट लेना है, तो यानी 1/3। तो मैं ऐसे इसको याद रख सकता हूँ बड़ी आसानी से। अब चलेंगे आगे, और ये तो हुआ आपका रेशियो। अब इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सीट का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 23 आपको जो सीट प्रोवाइड की गई होगी उसमें दिख जाएगा। ₹7020 2000 इज डिवाइडेड अमोंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए रिसीव्स 4/5 द सम ऑफ बी एंड बी प्लस सी। तो ये को कितना मिल रहा है? पहले तो जो दो क्वेश्चन में दिया रहता है वो डाटा में केयरफुली पढ़ना है उसको, फिर यूज करना है, और जो लिखने लायक रख रहा है उसको नोट और डाउन करते हुए जाना है। 4/5 द सम ऑफ बी प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5, अगर बी प्लस सी को 5 मिल रहा होगा तो ए को कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। यही तो इस बात का मतलब होगा, 4/5 द सम ऑफ बी प्लस सी। या मैं इसको ऐसे लिखता, एज इक्वल टू कितना होगा? 4/5 बी प्लस सी। अब ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं इसको जब इधर लेके आऊँगा तो ए अपॉन बी प्लस सी, अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आगे से मैं नहीं समझाऊंगा ऐसे, और डायरेक्ट ऐसे लिखा करूँगा कि ए रिसीव्स मतलब अगर बी प्लस सी को 5 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और यही इस बात का क्या हुआ? मतलब हुआ। तो अब यहाँ से मैंने इतना कंक्लूड कर लिया कि 4/5 ए अपॉन बी प्लस सी का शेयर है, 4/B+C। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, सी के द्वारा अमाउंट जो रिसीव होगा वो आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या दिया? इफ बी रिसीव्स 2/11 द सम ऑफ ए प्लस सी, बी को कितना मिल रहा है? बी को अगर 2 मिल रहा है, तो ए प्लस सी को कितना मिल रहा है? ए प्लस सी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? नीचे वाली वैल्यू। ए प्लस सी को कितना मिल रहा है? 11 मिल रहा है। कैसे हुआ ये? इसको भी ऐसे ही करके लिखेंगे, जब इसको ऐसे लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा ए प्लस सी, और वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो कॉन्स्टेंट है कि नहीं है? कॉन्स्टेंट है भैया, 7020 है कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे तो ए और बी प्लस सी को 9 यूनिट मिल रहा है, और यहाँ पे 2/11 कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पर सेम तो बनाना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी को। अब ए प्लस बी प्लस सी को सेम, 9 और 13 को कितने पे सेम बनाया जा सकता है? मैं जब भी चीज़ों को सेम बनाता हूँ तो उनके क्या एलसीएम पे बनाता हूँ, तो 9 और 13 का एलसीएम कितना होता है? 9 और 13, 9 और 9 और 13 का एलसीएम होता है 117, 117 या 117। तो इसको 117 बनाने के लिए 9 पहले से ही 4+5, तो 117 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 117 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई। अब इसको बनाना है मुझे 117, तो 117 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया। अब इसको अगर चेक करेंगे, 5+4 9, 9 × 13 कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 117, और ये भी 117 जब आप इसको देखेंगे तो दोनों मतलब बैलेंस हो गए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? भैया ए की वैल्यू कितनी आ गई? a:b:c की अगर मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 52 आ गई। और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई।
अब 117 के लिए कितनी बची, 70, 70 हो गई तो बची कितनी, 47 बची 117 के लिए, तो इसके पास पहुंच गई। अब एस टू बीस टू सेवन सी कितना हो गया, कितना हो गया 42, 52 इस टू 18 इस टू 47। अब ये कितने रेशियो की वैल्यू है, ये टोटल की वैल्यू है, टोटल कितने रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 117 को, तो 5020 इसकी वैल्यू है 117 की, और हमें तो कितने की चाहिए, हमें तो कितने की चाहिए भैया, हमें तो कितने की चाहिए 47 की चाहिए, तो ये किसका हो गया, सी की वैल्यू हो गई। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5020 अपॉन 117 इंटू 47। तो अब इसको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, ये 7 होगा, सॉरी ये 7 है, 7020, तो ये कितने टाइम्स जाएगा इसके, 6060। अब मैं ये देखूंगा कि ऑप्शन होगा उसके एंड में 2000 होने चाहिए, तो 47 इंटू 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उस पर, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो सीट का क्वेश्चन कौन सा है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपीज 8670700 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, तो वो सम कितना 8670 का, वो डिवाइड किस में करना है, ए बी सी में करना है, इन सच अ मैनर दैट फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स। अब ये ध्यान से पढ़ना, ये लैंग्वेज इसी लैंग्वेज का खेल रहता है। इन सच अ मैनर दैट फॉर एवरी रुपी, मतलब इन सच अ मैनर जो हर रुपए जो ए को मिलता है तो बी को उसके बदले में कितने पैसे मिलते हैं, 90 पैसे। मतलब ए को 12 रुपए नहीं मिलता है, इसमें ऐसा बोला कि अगर ए को 12 रुपए मिलता है तो बी को उसके बदले में कितने मिलते हैं, 90 पैसे। मतलब ए टू बी की बात करूँ तो 12 रुपए का मतलब क्या होता है, 100 पैसे और 90 पैसे, तो मतलब किस किस रेशियो में पैसा मिलता है, 10:9 में। लेकिन वही फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, मतलब बी को हर रुपए, बी के हर रुपए पे, सी फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट्स, मतलब बी के हर रुपए पे जो पैसा मिलता है सी को, वो 110 पैसे मिलता है। तो बी अपॉन सी कितना होगा, बी अपॉन सी होगा 100 पैसे अपॉन 110 पैसे, तो यहाँ से इसका रेशियो आ गया कितना, 10:1। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से एस टू बी ऐसे लिख लिया, कितना बन गया, 10:9 बन गया। इतनी बात आपको समझ में आती है। और बी टू सी क्या बन गया, बी टू सी बन गया, बीस टू सी बन गया 10:11। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 9 है, ऐसा कैसे हो सकता है, बी को 7 बनाओ तो इसको इंटू टेन इंटू नाइन इंटू नाइन, तो ए इस टू बी इस टू सी कितना होगा, 190 और 99। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो इनको जो पैसा मिलेगा वो इस रेशियो में मिलेगा। अब टोटल एक कितने कितने यूनिट बनना है, 199 और 90, 199 90 यानी 289। तो 289 किसकी, वन एट, तो 8670 किसकी वैल्यू है, 289 यूनिट की। लेकिन हमें कितने यूनिट की चाहिए, हमें तो सी का, हमें किसका, बी का शेयर बताना, तो बी का शेयर कितना था, 90 था। अब मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि आप तो या तो आप सॉल्व कर लोगे कितना जाएगा, 9 3 3 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 9 × 3 = 7 बनता है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। या मैं ये बोलूं कि अब अभी मैंने इस ऑप्शन किस लिए लिखे, मैं अब कैलकुलेट वो दिखाता हूँ आपको, ट्रिक का जादू, कि यहाँ पे जो डिजिटल सम बनना है, डिजिटल सम क्या होता है, इनके इनको तब तक ऐड करना है जब तक, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो बस सिर्फ बता रहा हूँ कि डिजिटल सम से कैसे हो सकता है ये सवाल, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। एक तो मैंने कॉमन सेंस से देख लिया कि ये पूरा, ये 9 × 3 कितना होता है, 7, तो यूनिट डेट कितना हो जाएगा, 7, तो ये 3 टाइम्स ही जा रहा होगा, तो 3000 × 90, तो यानी 3 0 और 9 × 3 कितना बन गया, 27, तो ये आंसर हो गया। या मैं ये बोलता है इसको डिजिटल सम से देखता, डिजिटल सम क्या होता है, जैसे डिजिटल सम एक अभी रफ आइडिया ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 का मुझे डिजिटल सम निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको तब तक ऐड करूंगा जब तक एक नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 1 + 2 + 3 सिक्स, 6 + 4, अब ये 4 6 + 4 10 हो गया, लेकिन 10 को भी क्या फर्दर, 10 10 हो गया, 10 + 5 15, अब 15 हो गया, तो ये 15 आ रहा है, 15 को भी लेकिन क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये कितना बनना है, 15। अब लेकिन 15 को भी फिर से क्या कर देना, ब्रेक कर देना, क्योंकि ये 2 डिजिट में पहुंच गया, 1 डिजिट में लाने के लिए 6। तो ये होता है डिजिटल सम, बाद में मैं वैसे मैं सिखाऊंगा इसको, लेकिन अभी इसको इस क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिजिटल सम इसका क्या बनना, नीचे वाले का क्या बनेगा जब आप कैलकुलेट करोगे, तो नीचे वाले का बनेगा वन और ऊपर वाले का बनेगा क्या बनेगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का वन बनेगा और ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, थर्टीन, थर्टीन और ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू यानी कि फोर, फोर बन जाएगा और ऊपर क्या है नाइन है, तो इंटू नाइन, तो यानी नाइन डिजिटल सम हो जाएगा इसका 36 और अपॉन में बनता तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसका डिजिटल सम नाइन हो जाएगा, 3 + 6 नाइन। अब मुझे ये देखना कौन से ऑप्शन में नाइन है, अब नाइन कौन से ऑप्शन में हो सकता है, 2 + 7 नाइन बनना है, 2 + 6 = 1 ये भी नाइन बनना है, दो ऑप्शन हो गए, इसमें तो 10 यानी कि 10 बनना है, इसमें भी नाइन और 8 कितना होता है 17, 17 और 2, 17 और 2 कितना होता है 19, तो यानी कि 10, तो यानी कि 10 यानी 10, तो ये तो मैं बाद में वैसे सिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तो ये बोल रहा था कि सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, अभी आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा सवाल है ये कितने कैसे टाइम लेगा, वो तो मेरे ऊपर है, मेरे सिखाने के ऊपर है, मैं अभी ट्रिक बताऊंगा बाद में से जो कैलकुलेशन को ईजियर करेंगी, वो टाइम कम से कम लेंगी तो उससे आप जल्दी से टिक कर पाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2700। तो अभी तो मैं आपके लिए, अभी ये तो मैंने अभी ऐसे ही ले लिया, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बाद में ट्रिक सिखाऊंगा, अभी जैसे कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक होती है ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं कुछ ट्रिक तो मैं साथ में बता रहा हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन की ट्रिक होती है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। हाँ तो अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीट का क्वेश्चन नंबर 24 है, और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का बेसिक बहुत थोड़ा हल्का सा कमजोर है या बहुत कमजोर है, तो वो पहले अपनी जो 6th 7th की क्लास बुक्स थी या जो भी थी, जो मतलब बेसिक क्लास की बुक्स थी, जो एलिमेंट्री क्लास की बुक्स थी, उनमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दिया रहता है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनमें से उसको पढ़ लें, क्योंकि उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, वैसे बताऊंगा तो मैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेसिक है वो क्लास में डिस्कस ना करी जाए, अगर बहुत ज़्यादा आपका बेसिक कमज़ोर है तो उसके लिए आप कोई बेसिक बुक ले लें और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको चीज़ें और आसानी से, वैसे मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो और बुक ले सकता है, जिससे कोई बेसिक बुक ले सकता है जिससे उसका वो बेस बन जाए, और मतलब मेरे कल आ जाए, मैं तो बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी एक आध चीज़ है जो छूट रही है कहीं ना कहीं बेसिक में, तो आपको उससे कवर कर लेनी है, और अगर जो भी नहीं आ रहा है तो मेरी हेल्प से उसको कर लेना है जो भी बेसिक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, एक मैन है उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है, किसमें, अपने सन में और अपनी वाइफ में और अपनी वाइफ में और अपने डॉटर में, तो सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ्स एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ इन द रेशियो, मतलब जो उसके सन का प्रॉपर्टी में शेयर है उसकी वाइफ से, वो किसके रेशियो में, 5:2 में, और फिर वाइफ का भी शेयर उसके डॉटर की रेशियो में भी कितना है, 5:2 ही है, तो वाइफ का डॉटर में कितने की में, 5:2 ही है। तो अब एक बात, अब क्या बोला है, इफ द डॉटर गेट्स, डॉटर को कितने रुपए कम मिले हैं उससे, 29,400 रुपए लेस देन सन, देन द वैल्यू ऑफ होल प्रॉपर्टीज, तो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है। अब मुझे पहले तो रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, वही मैंने आपको सिखाया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 10 बनाओ, पहले 10 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो सन वाइफ और डॉटर का रेशियो कितना आ गया, 25:10:4 आ गया। इतनी बात सबको समझ में आती है भैया, कि सन वाइफ और डॉटर का रेशियो कितना आ गया, 25:10:4 आ गया। अब इसको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं इससे, 21, अब यहाँ पे एक्चुअल मानने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल दिया है, अब यहाँ पे एक्चुअल तो दिया ही है, तो ये वाला एक्चुअल तो वो वाला एक्चुअल होगा नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअल, अब यहाँ पर 25 यूनिट अगर सन को मिल रहे हैं तो डॉटर को कितने मिल रहे हैं, 4 यूनिट, या 25x सन को मिल रहे हैं तो डॉटर को कितने मिल रहे हैं, 4x, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 21x का। अब सवाल में ये डिफरेंस कितने के कल दिया है, 29400 के, 29400 के कल दिया है। अब मैं यहाँ से अगर कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 14 टाइम्स, 14,00, तो एक्स की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई। अब टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 14 + 25 यानी कि 39, 39, तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई प्रॉपर्टी की, 39 × 14 और ये 00, तो अब ये 00 तो ऑप्शन के एंड में आएगा ही, जो ऑप्शन देख लेंगे फिर, या फिर भी इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे कर देंगे, 6 12 कैरी आ जाएगी और 42 42 5 4
600। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसे करा, पहले हमने इसको वाइफ के शेयर को बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद में तीनों का रेशियो मिल गया। तीनों का रेशियो मिलने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू मिलने के बाद एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। या मैं ऐसे भी कह सकता था कि 21 यूनिट की वैल्यू इतने के इक्वल है, तो एक यूनिट की इतने के इक्वल आया थी और टोटल 39 यूनिट बन रही थी, उसकी किसके इक्वल आया थी, 5600 के इक्वल आया थी। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर बात करूँ मैं, अब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर इफ टू नंबर्स, इफ टू नंबर्स आर इन दी रेशियो, दो नंबर समय के बाद उनका रेशियो कितना है, 3:1 नंबर का रेशियो, एंड इफ एंड इफ बी एड 7 to both numbers, then ratio becomes कितना हो जाता है, 7:3। अगर मैं उनमें 7 ऐड करता हूँ दो नंबरों में, दोनों में, तो रेशियो बिकम्स कितना हो जाता है, 7:3। देन ओरिजिनल नंबर्स आर, तो ओरिजिनल नंबर्स क्या होंगे, अब मैंने पहले ही बताया कि अब इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेंगे, मैं दो तीन तरीके बताऊंगा। पहले एक तरीका सीखेंगे कि मैंने मान लिया दो नंबर रहे होंगे और भी, और उनका रेशियो कितना है, 3:1। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब 3:1 है तो मुझे ओरिजिनल निकालना है, तो ये 3x रहा होगा और ये x रहा होगा। इतनी बात भैया सबको समझ में आती है। फिर अगर मैं दोनों नंबर में ऐड कर देता हूँ 7, तो उनका रेशियो कितना बन जाता है, 7:3। तो पहला ये वाला नंबर 3x रहा होगा पहले वाला, और अगर उसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 7 ऐड कर रहा हूँ, और दूसरा वाला क्या है, x है, उसमें मैं 7 ऐड कर रहा हूँ, तो तब उनका रेशियो कितना हो गया, तब उनका रेशियो कितना हो गया, 7:3 हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे 3:3 है, 9x हो जाएगा, 9x और 7x, यानी कि इधर आके 2x बचेगा, 2x, और ये 7:3 जा, और ये वो 7:7 जा, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 7-3 बचेगा। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 7:4 के इक्वल आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू अब मिली गई तो दोनों नंबर ही मिल गए, तो ये 42 होगा पहला वाला नंबर, और ये दूसरा वाला नंबर 14 होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, पहला वाला नंबर 42 होगा, दूसरा वाला नंबर 14 होगा, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मेथड तो मैं दूसरा भी बता सकता हूँ, पता नहीं वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता। जैसे मैं बताता हूँ दूसरा मेथड, कि पहले रेशियो कितना दिया था, 3:1, और नहीं भी समझ में आए तो ये वाला मेथड है, और यही इसी से आप, ये बेसिक मेथड है, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लो, पहले रेशियो कितना था, 3:1, बाद में रेशियो कितना हो गया, 7:3। ऐसा कब हुआ है, जब इस नंबर में भी क्या ऐड करा है, 7, और इस नंबर में भी 7 ऐड करा है। अब अगर दो रेशियो दिए हैं आपको, x:y और a:b, दो रेशियो दिए हैं, और ऐसा कब, और क्या बोला है आपसे कि क्या हुआ है, दोनों में अगर बराबर ऐड हुआ है, तो x पहले नंबर रहा होगा, बाद में क्या हो गया, a हो गया, पहले नंबर y रहा होगा, बाद में क्या हो गया, दूसरा नंबर b हो गया। तो दोनों में अगर बराबर ऐड करा है, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ये बात समझ में आती है, इफ सेम नंबर इज एडेड, इसको हटा रहा हूं मैं अभी, इफ सेम नंबर इज एडेड, अगर दोनों का डिफरेंस सेम रहा होगा, क्यों, क्योंकि x में कुछ भी ऐड करेंगे तब a बनेगा, और y में भी कुछ ऐड करा है तब b बना है, तो ऐड तो मैंने सेम करा है ना इस केस में, अगर मैंने सेम ऐड करा है, तो x माइनस ए भी किसके इक्वल होगा, y माइनस बी के। इतनी बात सबको समझ में आती है, x माइनस ए किसके इक्वल होगा, y माइनस बी के इक्वल होगा। अब ये तो क्या था, ये क्या था, अब x तो रेशियो है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने इसको x के मान लिया, और नीचे वाले को क्या मान लिया, बाई ए
ए एक्स के हो गया ए पी मान लिया नीचे वाले के रेशियो को, और इसको मैंने क्या मान लिया बाई बाई के मान लिया, और ये वाला क्या हो गया बी पी हो गया, ये वाला रेशियो बी पी हो गया। अब ये क्या हो गया, अभी ये बी इधर आएगा और ये बी इधर आएगा, तो बी माइनस ए पी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू के। अब पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं, बहुत ये वैसे तो इसी तरीके से जाओ, ये बेसिक है, लेकिन अगर एडवांस जानना है तो ये हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या बात समझ में आई, ये क्या बी माइनस ए इंटू पी, क्या इन दोनों नंबर का गैप, इन दोनों नंबर का गैप ही तो है वो जो नंबर यहाँ पे रहे होंगे, और बाई माइनस एक्स इंटू के क्या है, इन दोनों नंबर का गैप। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया कि मुझे अगर मुझे इन दोनों नंबर का डिफरेंस और इन दोनों नंबर का डिफरेंस सेम बनाना है, तो मुझे उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इन दो इसका गैप और इसके गैप को सेम बनाना पड़ेगा, इसके गैप को और इसके गैप को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो अब मैंने यही चीज़ यहाँ पे यूज की है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब अगर मुझे इन दोनों, जैसे पहले रेशियो कितना है 3:1 है, और बाद में रेशियो कितना हो गया 7:3 हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब क्या उन दोनों नंबर में बराबर ऐड कर रहा है, तो मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप हमसे बराबर चाह रहा है, यही तो बोल रहा है ना, ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर चाह रहा है। तो अब अभी क्या ये वाला गैप बराबर है, इसमें तो गैप 3 और 7 में कितने का, 4 का, इसमें गैप कितने का, 2 का। तो अब इस गैप को बराबर करने के लिए मैंने क्या बोला था, हमें यहाँ से मैंने ड्राइव कर लिया कि ये वाला गैप बराबर करना पड़ेगा, ये वाला गैप बराबर करना पड़ेगा इस गैप को बराबर करने के लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ तो ये दोनों गैप भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं इन दोनों गैप को बराबर कैसे करूँगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे लिखता हूँ कि ये वाला रेशियो क्या रहा होगा, 3x रहा होगा, और नीचे वाला कितना रहा होगा, 7y इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल होंगे दोनों में बराबर ऐड कर रहे हैं तो बराबर भी वो होगा डिफरेंस, तो ये भी एक्स और माइनस 3y के इक्वल होगा। तो 3x यानी कि 2x इज इक्वल टू 4y, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। अब x क्या माना था हमने, ऊपर वाला रेशियो, तो कितना हो गया ये? अब इसको मैं y के टर्म में ले जाता हूँ सभी को, तो सभी को y के टर्म में ले जाऊंगा, तो 6y इज टू 2y इज टू, नीचे वाला कितना हो गया 7y, और नीचे वाला 3y। अब बराबर हो गया, अब देखना 6y में 7y में 6y गया तो y, और 3y में से 2y गया तो भी y बचेगा। तो अब क्या हुआ, अगर मैं इसमें 6 में क्या ऐड करूँ कि 7y हो जाए, और मैं ऐड ऐड क्या कर रहा था, 7 ऐड कर रहा था, यानी कि बाई, अगर मैं बाई ऐड करता हूँ तो ये 7y हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस बाई, और बाई किसके बराबर है, 7 के बराबर, क्योंकि मैं ऐड क्या कर रहा था, 7, तो बाई इज इक्वल टू 7 है। तो मुझे क्या पूछा था, ओरिजिनल नंबर पूछा था, ओरिजिनल नंबर क्या है, 1 6y, तो 6y ए ओरिजिनल नंबर है, तो 6y अब क्या हो गया 6 इंटू 7, और बी क्या है, एक ओरिजिनल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है 2y, तो 2 इंटू 7, तो ये क्या हुआ 42, और ये हो गया 14। अब ये चीज़ें कैसे समझेंगे, कैसे समझ में आई कि मैं पहले क्या करूँगा, अगर मुझे ए वाला गैप बराबर करना है तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऐसा मैंने लिख लिया, और अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो एक्स इज इक्वल टू 2y आ जाएगा, तो 6y और ये 7y बन गया, क्योंकि ये वाला गैप बराबर दिया था, तो ये यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई। अब क्या मुझे ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर टाइम सेव करना है तो ऐसे भी नहीं, और इसको जल्दी किया जा सकता था, कैसे जल्दी किया जा सकता था देखेंगे। अब अगर इसको और करना है तो मुझे पता है दोनों में बराबर ऐड कर रहा है, तो दोनों का गैप क्या होगा, 3 और 7 का गैप बराबर होना चाहिए, और 1 और 3 का, अभी 3 और 7 में कितने का गैप है, 4 का, ये शॉर्ट ट्रिक है, और 1 और 3 का गैप कितने का है, 2 का है, अभी कॉन्सेप्ट जान लिया, ऐसा क्यों कर रहे थे। 3 और 7 का गैप अगर 4 का है और 1 और 3 का गैप अगर 2 का है, तो मुझे इस गैप को बराबर बनाना पड़ेगा, और इस गैप क्यों, क्योंकि बराबर ऐड कर रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। और अगर इस गैप को बराबर बनाना है तो मुझे इस गैप को और इस गैप को बराबर बनाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 4 का है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 2 का है, 2 और 4 को गैप को मैं क्या बना सकता हूँ, मैंने बोला जब भी बनाना है तो क्या बनाएंगे, उन चीज़ों को अगर सेम बनाना है तो उनके एलसीएम पे बनाएंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो नीचे वाला तो गैप पहले से ही 4 का है, अगर इसको 4 बनाना है तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 हो जाए तो मैं बोलूँगा 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो अभी हो गया, अभी 6 यूनिट बन गया, नीचे वाला 7 यूनिट बन गया, ऊपर वाला 2 यूनिट बन गया, नीचे वाला 3 यूनिट बन गया। अभी जो बाई मान के सॉल्व कर रहे थे वो यही बात आ गई, नीचे वाला ऊपर वाला 6 यूनिट बन गया, नीचे वाला 7 यूनिट बन गया, या कहीं ऊपर वाला 6y बन गया, नीचे वाला 7y बन गया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, बाई का, दोनों में डिफरेंस कितने का, बाई का, इधर भी दोनों में डिफरेंस कितने का, बाई का, या बनी यूनिट का, या इधर का बनी यूनिट का या एक्स का।
तो मैं ये बोलूंगा वन यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल दिए सवाल में, वन यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने के इक्वल दिए, डिफरेंस है कितना, डिफरेंस क्या था इन दोनों में, सात का ही तो बनना, क्योंकि जब कुछ ऐड करोगे कोई नंबर पहले से होगा और उसमें फिर कुछ ऐड करोगे, कुछ ऐड करोगे तो वो नंबर फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। जैसे कोई नंबर 14 रहा होगा, 14 में अगर 7 ऐड करोगे तो 20 बना, दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 7 का हो गया। और इधर भी अगर इधर भी कुछ नंबर रहा होगा 20 रहा होगा, 20 में अगर 7 ऐड किया फॉर एग्जांपल तो 27, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर हो गया। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में डिफरेंस अब बराबर हो गया, इधर भी वन यूनिट इधर भी वन यूनिट, क्योंकि बराबर ऐड करा, तो वन यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल, सात के इक्वल। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर सात के इक्वल, तो छः यूनिट की वैल्यू में चाहिए तो इंटू छः से कर देंगे, तो छः यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल, 42 के इक्वल। और टू यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल, टू यूनिट की वैल्यू 14 के इक्वल। और यही क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अभी ये मैंने, अब इसको और क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अभी क्या दे दिया इसमें, अभी इसमें दे दिया 4:1, 4:1, 4:1 दे दिया। और अगर 4:1 दे दिया तो 4:1, हाँ, और इसमें कितना ऐड कर रहा है, 5 5 ऐड कर रहा है, बी ऐड 5 टू बोथ नंबर्स। और अगर मैंने 5 ऐड कर दिया वो दोनों नंबरों में, तो दोनों नंबरों में 4 4 ऐड कर दिया, सॉरी 4 4 अगर दोनों नंबरों में ऐड कर दिया तो दोनों नंबर क्या बन जाएंगे, 5:2 रेशियो बन गया उनका, कितना बन गया, 5:2, 5:2 बन गया। अगर आप 5:2 बन गया तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, अब देखेंगे। ये तभी लगेगा जब दोनों नंबरों में बराबर ऐड कर रहा होगा, या दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा जो बन रहे हैं उनका। अभी मैंने समझा था ये तभी कैसे ड्राइव हुआ है, जब इफ सेम नंबर इज एडेड या गैप उनमें सेम है तब भी। अब ये चीज़ कैसे होगी कि दो नंबर का रेशियो कितना है, 4:1 है। अगर दो नंबर का रेशियो 4:1 है तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4:1, और बी एड 4 टू बोथ नंबर। अगर मैं दोनों नंबरों में 4 ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 5:2। अब इधर क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, 1, इधर कितने का गैप है, 1 का, और इधर कितने का गैप है, 1 का। अब गैप पहले से इक्वल हो गया क्योंकि ऐड कर रहे हैं 4, तो गैप तो इक्वल, 4 4 ऐड कर रहे हैं तो दोनों में गैप तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि बराबर ऐड कर रहे हैं, बराबर ऐड कर रहे हैं तो 4, तो 1 का गैप इधर भी, 1 का गैप इधर भी, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई। नहीं होता तो हम उस तरीके से सेम बनाते, लेकिन इसमें तो पहले से इक्वल हो गया। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई तो 4 की यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 16 के इक्वल आ जाएगी। और वन यूनिट की वैल्यू 4 के इक्वल थी, तो दो नंबर क्या आ गए, ये वाला नंबर 16 हो गया, ये वाला नंबर 4 हो गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।